बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, तो कैसे आप? मैं लकी फिस्तु करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, बात रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन। तो आप सबको देसी खाना किचन ब्लॉग में खुश आमदीद। देख सकते हैं मेरा किचन गार्डन माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है, और मेरे बर्ड्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही क्यूट है, इनको देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। और आज लाए हैं हम आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी पुलाव की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे मसाला पुलाव, वो भी बड़े का। तो चलें आएँ जी, अभी हम लोग जो वो जल्दी से कुकर को थोड़ा साइड पे करते हैं ताकि ये बिल्कुल मेरी सब्जियां ख़राब ना करें। तो कैसी लग रही है आप लोगों को हमारी रूटीन ज़रूर बताएगा। मेरे प्यारे प्यारे से कुकू यहाँ पानी पी रहे हैं, और इनका बस चले ना तो पानी में नहाने लग जाए, और इनको सब्ज़ा भी बहुत पसंद है। मैं इनको थोड़ी देर के लिए सब्ज़े में ज़रूर छोड़ती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इनको मैं सब्ज़ा जो वो अंदर ही दे दूँ। अगर आप लोगों ने बर्ड्स रखे हुए हैं तो आप लोग भी उन्हें जो ज़रूर सब्ज़ा दिया करें, क्योंकि बर्ड्स जो है वो सब्ज़ा बहुत शौक से खाते हैं। तो मुझे जो है वो इनसे बहुत लगाव हो गया हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले मैंने इतने प्यारे प्यारे बर्ड्स रखे हुए थे तो उनको जो है वो नुकसान हो गया। उसके बाद जो है वो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं बर्ड्स दोबारा से लूँ, मेरा इतना दिल परेशान हो गया हुआ था ना। तो अब मैंने क्या किया कि अब मैंने दोबारा से बर्ड्स रख लिए, अब मैं इनके लिए रोज़ दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत में रखी, इन्हें कभी कुछ ना हो। और मेरा प्यारा बकरा जो है ना वो बहुत ही क्यूट है, बिल्कुल भी ना बोलता नहीं है, तंग नहीं करता, बस अगर हम लोग उसकी नज़रों के सामने ना हो तो फिर वो जो है वो थोड़ा परेशान हो जाता है ना। तो उसका ये दिल चाहता है कि मेरे सामने रहें हर वक्त और मेरा जो है वो केयर करें, तो बहुत क्यूट है। अभी हम लोग जो है जल्दी से सब्जियां धो लेते हैं, और मसाला पुलाव जो है वो आज हम बड़े गोश्त का बना रहे हैं, जहाँ जो है वो इसको मोर डिलीशियस करने के लिए, ज़्यादा अच्छा जायका लाने के लिए आपने एक चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करना है, तो वो चीज़ इससे जो है वो आपका चावल जो है वो बहुत अच्छा टेस्टफुल बनता है, और आपको जो है वो ऑयल और घी वगैरह का कम इस्तेमाल हो जाएगा। क्योंकि चावल में क्या होता है, और ये जो चावल होंगे ना आप जब खाएंगे ना इतने टेस्टफुल होंगे, इतने टेस्टफुल होंगे कि आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ना डेग में बना हुआ है, मतलब इस तरह का इसका टेस्ट होगा एकदम अलग सा। तो स्पेशल बनाने के लिए इसे जो वो आपने एक हड्डी ले लेनी है। अगर आपको ये हड्डी बड़े की मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं तो आप इसमें मटन की हड्डी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उनसे भी हड्डी आपको मिल जाए वो भी बेस्ट होगी। चलें तैयारी तो हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं, बस आग जलाते हैं और रेसिपी को साथ साथ जो है वो स्टार्ट कर लेंगे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारा काम एक साथ होता चले और हम बिल्कुल भी बोर भी ना हो, और हम लोग जो वो प्यार प्यार से आराम आराम से मज़े मज़े से जो मज़ेदार सा खाना बना सकें। तो आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं देसी खाना टिप्स एंड व्लॉग, और मैं हूँ समिया चौधरी। डेली बेस पे मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लाती हूँ, और आप लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे होते हैं तो जिसे पढ़ के मेरा दिल खुश हो जाता है। यहाँ मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी, ज़्यादा ऑयल आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ हड्डी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये तकरीबन 5 किलो के राउंड अबाउट हो जाएगा सारा चौबो मिला के। बस 1 किलो मैंने यहाँ हड्डी ली है, और 2 किलो जो है वो मैंने यहाँ बड़े का गोश्त लिया है, और चावल मैंने तकरीबन यहाँ लिए हैं 3 किलो। तो तकरीबन जो वो टोटल कुकिंग जो है वो 5 किलो के राउंड अबाउट हो जाएगी, उससे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। तो तकरीबन अगर हम लोग एस्टीमेट लें सारी चीज़ों का तो 6 किलो के इक्वल हो जाएगा। बस इसके साथ टमाटर लिए मैंने फ्रेश फ्रेश अपने किचन गार्डन से थोड़े, और मेरे किचन गार्डन में चेरी टमाटर जो है वो लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत है। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो चेरी टमाटर है ना वो बहुत महंगा होता है, और मार्केट से आसानी से आपको मिलता भी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने घर में उगा सकते हैं। बहुत स्पीड से ये ग्रो करता है, एक और नंबर दो पे बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। और मैं क्या करती हूँ कि कच्चे कच्चे ही इनको पकड़ के खा जाती हूँ, क्योंकि इतने छोटे से होते हैं और टेस्टफुल बहुत ज़्यादा होते हैं ये। तो अभी मैं अदरक की कटिंग कर रही हूँ। अदरक जो है वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि एंटीबायोटिक है। अगर आपको
किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो आप अदरक का इस्तेमाल शुरू कर दें, इंशाल्लाह आप सेहतयाब हो जाएंगे। और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हमेशा साथ रहेंगी, और मैं आप लोगों के लिए जो वो दुआ करती हूँ, सभी के लिए दुआ करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि कभी भी किसी को हमसे तकलीफ़ ना हो, और आप लोग भी यही कोशिश किया करें। यकीन माने अगर आप लोगों की ये कोशिश हो जाएगी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी से सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी और बस एक कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर बन जाएगी। तो आप यही कोशिश किया करें कि आपसे कभी भी किसी को कोई मसला ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। तो अदरक को मैंने जो है वो थोड़ा दरदरा सा, थोड़ा मोटा सा कूट लिया है। अभी मैं लहसुन की तरफ आ गई, और लहसुन जो है वो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी क्या है, इस तरह का मौसम चल रहा है, इस तरह का जो है वो ज़माना चल रहा है कि हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर का मसला है और हर दूसरे बंदे को जो है वो दर्द रहता है। तो इन सब के हल के लिए आपने बस एक ही काम करना है, आपने लहसुन जो है वो लेना है। और अगर आपको घर का लहसुन मिल जाए तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, वो लहसुन लिख के आपने उसको छील के रख लेना है। डेली बेस पे एक कम से कम जो इसका जोया है वो ज़रूरी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आप जो वो एकदम खुद में जो वो इजी फील करना शुरू हो जाएंगे। तो अगर ऐसा नहीं है तो कुकिंग में भी आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कर लिया करें, जिससे आप एकदम जो वो हेल्दी हेल्दी हो जाएंगे। एकदम से बाहर से शोर आना शुरू हो गया, लगता है कोई मशीन आ गई है। तो बस इसी के साथ जब हम लोग कुकिंग की तरफ चल रहे हैं, साथ साथ मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्या बन रहा है। और यहाँ जो वो अपने चंद खड़े मसाले इस्तेमाल करने हैं, इसके साथ जलवत्री शामिल करनी है आपने। और ये देखिए, ये सारे खड़े मसाले हैं, ये खड़े मसाले ज़रूरी हैं। आप किसी भी तरह का आप पलाव बना रहे हैं तो उसमें खड़े मसाले ज़रूरी हैं। लेकिन इसके साथ आपको ये भी बताती चलूँगी कि आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल भी भाई के मसाला जात का इस्तेमाल नहीं करना। आपने इस तरह से खड़े मसाले ले लेने हैं, जो भी मसाला बनाना है आपने घर में बनाना है। इसमें आप जो वो पलाव मसाला बना रहे हैं तो उसमें लौंग वगैरह ऐड करना ज़रूरी है। उसमें जब आप अदरक लहसुन जो है वो आप लें ड्राई वाला, उसको भी साथ उसमें ऐड करें, जिससे जो है वो ज़्यादा टेस्टफुल भी होगा और खुशबू भी होगी। बाकी सारे खड़े मसाले आपने रोस्ट करके रख लेने हैं, चुटकी भर जो है वो आप इसका इस्तेमाल करें तो ये जो है वो आपको बहुत सी चीज़ों से बचा सकते हैं, जैसा कि दर्द आपके भगा सकते हैं और आपके भाई बादी से बचा सकते हैं। तो आपके लिए, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो ऑर्गेनिक चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो माशाल्लाह से देखिए किचन गार्डन में इतनी फ्रेश सब्ज़ मिर्च लगी हुई है ना, कि दिल खुश हो जाता है इसे देख के। बस इसकी करें साफ़ सफ़ाई। और यहाँ हमने सारे कड़े मसालों को रोस्ट कर लिया था, और जो प्याज को पहले हमने लाइट ब्राउन किया था, उसके बाद इसमें टमाटर जो खड़े मसाले शामिल किए, जैसे ही वो भी फ्राई होगी उसके बाद हमने इसमें टमाटर शामिल किया, क्योंकि टमाटर जो है वो इनको पकने देगा। आहिस्ता आहिस्ता फ्राई तो हो चुके हैं, इनको जलने नहीं देगा, और फिर जो है वो एकदम अच्छे से अपना जायका जो है वो मसालों के साथ छोड़ देगा। बस जब तक ये हमने चूल्हे पे रखा, हल्की आंच पे हम इसे पकाएंगे। इन सारे मसाला जात को आपने हल्की आंच पे पकाना है, बस सवाए आप प्याज में को जो वो मीडियम आंच पे पकाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें वो लहसुन और अदरक जिसे हमने कूट के जो वो रखा था ना, वो शामिल करना है। लेकिन यहाँ आपने एक चीज़ की ज़रूर एहतियात करनी है कि कोई भी मसाला जो है ना वो ओवर कुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ओवर कुक हो गया तो वो जो आपको गज़ाइत मिलनी चाहिए वो मिस हो जाएगी। इसलिए आपने लिमिटेड यानी कि कुक करना है। उसके बाद आपने जैसे अदरक लहसुन को आपने शामिल किया, चम्मच चलाया, इसके साथ जो वो आप पीसे हुए मसाले शामिल कर लीजिएगा। देखिए इसमें सारे मसाला जात वो हैं जो घर में अवेलेबल हैं। मिक्स गर्म मसाला मैंने आपको बता दिया आपने किस तरह से बनाना है, वो आपने बना के रख लेना है। और आपने कभी भी बाज़ार का कोई मसाला इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि एक तो उनका पता नहीं वो कब से बना हुआ है। इसके साथ जो वो जैसे ही मसाले भुन जाएँ, खुशबू आने शुरू हो जाए, उसमें दही शामिल कर लीजिएगा। दही भी अगर आप मार्केट से लेंगे तो उसमें बहुत से पाउडर वगैरह इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आप कोशिश करें घर में बनाएँ दही। और इसको जो वो आपने फुल क्रीमी दही उसमें ऐड करना है।
तो मैंने तकरीबन हाफ के जी इसमें दही ऐड की है। इसके साथ में लास्ट में पिसी हुई लाल मिर्च हमेशा आप जो अगर पुलाव में ऐड करना चाहते हैं, मसाला पुलाव के अलावा भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो उसे आप लास्ट में शामिल करेंगे ताकि वो जल ना पाए। तो दही के शामिल करते अच्छे से चम्मच चलाया, मसाला चाचो अच्छे से मिक्स होगी। उसके बाद इसमें हड्डी पहले आपने शामिल करनी है, इसके साथ जो आपने गोश्त शामिल कर लेना है। तो गोश्त 2 से 2.5 किलो गोश्त है यहाँ, और साथ में जो है वो हड्डी जो है वो 1 किलो मैंने आपको बता दिया। बस अभी मसाला चाट और दही के साथ इसकी होगी बुनाई। तो भूनना आपने अच्छे से है, क्योंकि जब आप इसको भूनेंगे ना तो इसमें से स्मेल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि गोश्त में अपनी जो स्मेल होती है उसे भी ख़त्म करना ज़रूरी है। एक तो भुनाई के ड्यूरिंग होगी, दूसरा जो अदरक लहसुन हमने दरदरा सा इसमें शामिल किया था ना वो भी इसकी स्मेल को ख़त्म कर देगा। बस अभी जैसे इसकी लाइट सी भुनाई होगी, इसकी आपको ये लगे कि गोश्त की अच्छे से भुनाई होगी, क्योंकि अच्छे से आपने इसे भुनना है, उससे जो है वो आपका जो पुलाव होगा वो ज़्यादा टेस्टफुल होगा। उसके बाद भुनाई तब तक करेंगे जब तक ऑयल नज़र ना आए आपको। उसके बाद आपने इसमें पानी शामिल करना है। तो पानी आप कितना लेंगे, यहाँ पानी आपने लेना है एक पूरा ये बाउल जो है ना आपने लेना है इस गोश्त को पकाने के लिए, और साथ में आप चावल के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि चावल का मैं आपको बता चुकी हूँ कि चावल के लिए आपने कितना पानी लेना है। अगर आपने 2 बाउल ये वाले चावल के लिए हैं तो आपने किसी भी बर्तन से इसकी मेजरमेंट कर लीजिएगा, उसमें 3 बाउल जो है आप पानी ऐड कर दीजिएगा। तो मटन ये बीफ और इस हड्डी को आपने तब तक पकाना है जब तक एकदम जो ये सॉफ्ट ना पड़ जाए। जैसे ही ये सॉफ्ट पड़ जाए अच्छे से इसमें से रोगन निकल जाए, उसके बाद इसमें मिर्ची शामिल कर लीजिएगा और थोड़ा वो मिक्स गरम मसाला इस स्टेज पे ज़रूर आप शामिल कर लीजिएगा। यहाँ तकरीबन जो वो आप 1 टीस्पून जो वो ऐड करेंगे मिक्स गरम मसाला। उसके बाद चावल लेंगे। चावल आप किस तरह का ले रहे हैं, बहुत से लोग ये पूछ रहे होते हैं जी चावल कौन सा, कोई भी चावल ले सकते हैं आप। यहाँ आपको बस कोई टेंशन नहीं लेनी चावल की। चावल का मैंने आपको ऐसी एक टिप बता दी है जहाँ आपके चावल किसी भी सूरत में ख़राब नहीं हो सकते। आप कोई भी चावल लें, बस उसको आप जो वो 45 मिनट पहले भिगोएं, उसके बाद आप उसे पानी की मेजरमेंट आपको मैंने बताई इस मेजरमेंट के मुताबिक पका लें, तो इंशाल्लाह आपके चावल हमेशा बिखरे निखरे और टेस्टफुल बनेंगे। इसके साथ जो एक और टिप है वो भी आपको बताती हूँ। तो चम्मच अच्छे से चला लिया, क्योंकि यहाँ हड्डी है, यहाँ चावल टूटने का खर्चा होगा, इसलिए बार बार यहाँ चम्मच नहीं चलाना, और कोशिश करनी है कि बर्तन आप जब भी चावल की कुकिंग के लिए लें बड़ा बर्तन लें, क्योंकि छोटे बर्तन में भी आपके चावल टूट जाते हैं, और अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं फिर तो स्पेशली जो वो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, क्योंकि जब आपस में वो टकराएंगे चम्मच चलेगा फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर जब भी आप चावल बना रहे हैं तो इस तरह से साइड कॉर्नर से आप जो वो चम्मच चलाएंगे ताकि बिल्कुल भी आपके चावल टूट ना पाए। उसके बाद एक ज़रूरी टिप जो चावल के ना टूटने की है वो ये है कि आपने इसको दम ज़रूर देना है। दम जो है वो आप 15 से 20 मिनट मस्त समझ लें, बहुत ज़रूरी है ये। और इसके लिए आपने क्या करना है कि आंच को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देना है, सिंगल जो बर्नर है उस पे करके इसको आप रख दें और आप जो वो कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। और बस टाइम नोट कर लीजिएगा कि इतना टाइम ज़रूरी है। इसके साथ जो वो हमने भी दम लगाया, आउट किया दम। अभी जो है वो क्योंकि इसमें पानी था इसलिए अभी मैंने बिल्कुल जो एयर टाइट वाला दम है वो नहीं दिया था, इसे हल्के से चम्मच चलाऊंगी। यहाँ इस पुलाव में 2 से 3 दफ़ा चम्मच चलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें मैंने जो नली ऐड की थी उसका जो ऑयल है उसका इसकी अपर लेयर पर प्रॉपर इक्वली स्प्रेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने इसे इक्वली तौर पे स्प्रेड ना किया तो फिर क्या होगा कि एक साइड पे बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे चावल और एक साइड पे कम हो जाएंगे। लास्ट पे आपने इसमें धनिया शामिल करना है, जो धनिया का हार्ड पार्ट होता है थोड़ा सख्त वाला धनिया होगा वो आप दम के ड्यूरिंग ऐड करेंगे और बाकी को आप बचा के रख लीजिएगा, वो भी आपके बहुत काम आएगा। बस दम दिया मैंने इसे 18 से 20 मिनट का। उसके बाद माशाल्लाह से जैसे आप ढक्कन खोलेंगे खुशबुएँ तो पूरे मोहल्ले में फैलेंगी ही, लेकिन आपको दिखते ही दिखते बहुत अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा ना। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि चावल बहुत ही डिलीशियस बने हैं,
तो क्या आपको ये रेसिपी पसंद आई, दिखने में कैसी लगी, ये सब आपने ज़रूर मुझे फीडबैक में बताना है। तो बस अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जल्दी से इसे थोड़ा सा मसीद गार्निश कर लेंगे। बस सब्ज़ धनिया है आपके पास तो बस आप बादशाह हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर सैलड थोड़ा मैंने काट के रखा और वो भी ऐड कर देते हैं इसमें। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि ये प्लेटर इतना अच्छा लग रहा है। तो अगर दिखने में इतना अच्छा तो खाने में कितना डिलीशियस होगा। चले ज़रूर बनाइएगा ये पलाओ और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।